में आपको दिखाने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन में हो या कोई भी कॉकटेल्स वगैरह या लेमन वगैरह कुछ अगर कोई भी वैरायटी हो आप उसके अंडे वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं। और अभी कुछ जोड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं, एक अंडे मतलब ख़राब हो चुके होते हैं, वो बाहर फेंकते हैं, फिर वो दोबारा और अंडे लेके बैठ जाते हैं, उससे जो नए अंडे होते हैं उनको गरमाइश बराबर से मिलती नहीं है। तो यही सब चीज़ के बारे में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अंडे कैसे वगैरह चेक कर किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल में हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, उससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो आप मोबाइल लैपटॉप में या कंप्यूटर में बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा छोटी सी कॉलोनी बनाई हुई है, इसमें तीन पेयर डाले हैं और इसमें कुछ पाइपिंग्स वगैरह भी नहीं है। दो पेयर जो इसमें मैंने डाले थे वो बिल्कुल अडल्ट है, और एक पेयर जो था मेरी शॉप से मैंने खुद ही एक नर के सारे मतलब जो फर्स्ट जैसे माटी होती है पट्टी से जवान हुई होती है वो मैंने उस नर के साथ डाली थी, एक पेयर बनाया था। उससे हुआ ये हुआ इस कॉलोनी में डालने से जो मेरे दो अडल्ट पेयर थे जो शॉप से मैंने परचेज करे थे उन्होंने दो हांडियाँ पकड़ ली, और जब वो जो तीसरा पेयर जो नया सेट हुआ होता है जब उसने हांडियाँ पकड़ने की कोशिश करी है तो ये उन दोनों पेयर ने उसको बहुत मारा, उसको मतलब मारा फीमेल को मारा, नर को तो नहीं मारा, जो मादी है उसको मारा, उसकी आँख भी डैमेज करेगी। अब मैं देख रहा हूँ कि दो कुछ दिनों से कि उस मादी पे वो दोबारा अटैक नहीं कर रहा, उसका नहीं मार रहा, वो मादी घूम रही है लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब अच्छा सा प्रोग्रेस नहीं आया, उसने कोई क्रासिंग वगैरह नहीं करी, ना ही आंडियाँ पकड़ी है। उसमें उस वक्त मेरे पास जो है इस कॉलोनी में चार आंडियाँ लगी हैं, दो मैंने लगाई हुई सामने की तरफ और एक यहाँ लगाई हुई और एक हम यहाँ लगाई हुई, तो इस तरह से छोटी सी कॉलोनी बनाई हुई। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वाले पेयर से, इसके साथ जो है ग्रीन कलर की मादा है और लाइट ग्रीन कलर का नल लगा हुआ है, और इसमें देखते हैं कितने अंडे हैं। इसमें तकरीबन पाँच अंडे हैं तो मैं निकाल लूँगा सबको, इसमें पहले भी अंडे वगैरह साफ कर कर ये देख सकते हैं आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये देखें ये पुराने अंडे हैं जो मतलब बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और बिल्कुल लाइट वेट है, पता भी लग रहा है कि सही नहीं है। और ये तीन अंडे हैं, अब ये जो दो अंडे फुल डाउट हो रहा है और एक अंडा जो ये है ये थोड़ा सा टूटा एक साइड से डैमेज भी हुआ है, तो ये दो अंडे तो वाकई में ख़राब हो चुके हैं, इनको हम साइड कर देते हैं। और इनको चेक करने का तरीकाकार क्या है कि हमने मोबाइल की टॉर्च ले लेनी है, कोई भी छोटी सी टॉर्च ले लेनी है, उसे हमने चला के रखना है, उसके अंडे को रख के चेक करना है। जैसे कि अब मैंने ये अंडा रख दिया इस पर, तो ये जो है एग का शेड बता रहा है ये रेड हो रहा है अंदर से, इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चा बन रहा है, तो ये अंडा ओके है। उसी तरह से ये वाला भी रेड होना शुरू हो गया अंदर से, तो थोड़ा सा इसमें रगियाँ वगैरह होनी शुरू हो गई हैं, तो ये अब एग भी ओके, दो एग ओके हैं और तीसरे की तरफ जाते हैं, तीसरा है बिल्कुल नहीं है मतलब ओके नहीं है, इसकी देख सकते हैं अगर आप दिख रहा हो व्यूअर्स, ये बिल्कुल येलो कलर का और है, ये आप देख सकते हैं इसका मतलब ये ओके नहीं है। तो इस तरह से ये है कि अभी फ़िलहाल दो अंडे जो ख़राब थे पहले के काफ़ी टाइम से दिए हुए थे वो ख़राब करके अब दोबारा इस मामले में दोबारा से अंडे एग ले करें, इसमें से दो अंडे सही हैं और एक सही नहीं है। तो अब ये है कि मैं तीन अंडे रख दूँगा इसके अंदर ताकि जो हमारा अगर मजीद और अंडे भी देगी या जब वो बैठेगी सिंचाई करेगी अपने अंडों पर जो कम अंडे होंगे और जो सही होंगे उन्हीं को ही सिंचाई करेगी। ये अंडे तीन अंडे इसके अंदर रखे थे, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पेयर की तरफ। दूसरा पेयर जो है प्योर रेड आइस का, वाइट रेड आइस का पूरा प्योर पेयर है, और इसके आंडिया में जो है प्योर छः अंडे, मैं कलर से इसमें छः अंडे दिए। मैं जब मैं इसे पहले अपने घर पर लेके आया था पेयर को, इसने तकरीबन एक दो अंडे दिए थे जो इसने ख़राब करके बाहर फेंक दिए। अब मैं देखता हूँ उसको नोट कर रहा हूँ दो तीन दिन से ये अपने अंडों पर बराबर बैठ गए, तो अब इसमें ये है कि देखने से ही पता लग रहा है कि जो अंडे बिल्कुल वाइट वाइट हो रहे हैं, जैसे कि मैं आइडिया हो गया देख के भी कि ये जो पांच अंडे हैं वो फुल वाइट हैं और ये हल्का सा लाइट वाइट वाइट है, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है, या तो ये अंडा फ्रेश होगा
या अगर पुराना है तो इसमें बच्चा नहीं बना होगा, लेकिन चांस है इन 5 अंडों में बच्चे बने होने का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे शख्स बिल्कुल क्लियर था, इसमें तकरीबन बच्चा बन रहा है और ये भी रेड कलर का शो हो रहा है, ये भी पूरा लाल शो हो रहा है, आपको नजर आ रहा देख सकते हैं आप, ये पूरा रेड हो रहा है, ये भी ओके है। इसी तरह से ये अंडा है बिल्कुल हम जैसे दिखा रहे हैं आपको, ये भी रेड हो रहा है, ये 3 हो गया। ये इसमें तकरीबन बच्चा बना हुआ है, तो हमें थोड़ा सा मतलब इसमें डाउट हो रहा है कि शायद इसमें बच्चा जो है थोड़ी हरकत भी कर रहा होगा, तो उसका आइडिया हो जाएगा कि ठीक है या नहीं है, तो क्लियर से देखेंगे इसे। अभी दिन का टाइम हो रहा है ना, जब आप अंधेरे में चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि उसमें होता है कि जब बच्चा तकरीबन उसके अंदर 2 हफ्ते तक हो चुके होते हैं तो बच्चा ये भी रहा होता है अंडे के अंदर, उस पर बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है और अंधेरे में बहुत अच्छे से चेक हो जाते हैं। और जैसे मैं आपको 1 घंटे के बारे में बता रहा था, बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, ये अंडा ख़राब है। इसका थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद जो है इसमें बच्चा जो है अंदर डेथ हो चुकी है, ऐसा डाउट जा रहा है, तो इसका बराबर से पता नहीं लग रहा क्योंकि अगले दिन में, लेकिन इतना है कि थोड़ा सा और सा ब्लैक शो हो रहा है। तो कुछ अंडे अगर फुल ब्लैक शो हो रहे होते हैं ना फुल, तो इससे ये आइडिया लगा लेना चाहिए, उससे पता लग जाता है कि इसमें बच्चे की डेथ हो चुकी है। और तकरीबन 4 अंडे जो हैं ओके लग रहे हैं, एक जो है बिल्कुल सही है और एक जो है ख़राब है, और एक अंडे में ये है कि बच्चे का कुछ आइडिया नहीं हो रहा दूर होने की वजह से। अभी हम आपके अंडे अंदर रख देते हैं, इसमें जो ख़राब अंडे का चांस था ये जो ख़राब अंडा है इससे हम हटा देंगे, बाकी जो है 6 अंडे थे जिसमें से हमने 5 अंडा रख दिए। और मैं चेक कर रहा हूँ कुछ दिनों से ये मादा बराबर का टाइम दे रही है, अंडों में बैठ दे रही है, इस तरह से जो है अंडे चेक हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि अभी मैंने दोनों केजेस दोनों आंडियों में से 3 अंडे जो है ख़राब है वो मैंने उनको सेपरेट कर दिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस कलर के पेयर हैं और कैसे सेट हुए हैं। देख सकते हैं ये जो पेयर ऊपर बैठा हुआ है बिल्कुल ये चोंच मिला रहा है, ये पेयर जो है इसी हांडिया का है जिसके मैंने आपको दिखाए थे अंडे, इसमें से 2 अंडे मैंने सेपरेट करके बाकी 3 जो हैं वो अंदर छोड़ दिए। और ये जो सामने बैठी हुई एक मादी रेड आइस की सामने हांडिया के ऊपर, ये मादी रेड आइस की, और इसी तरह से ये नर रेड आइस का, ये प्योर वाइट कलर का पेयर है रेड आइस में। और एक ये पेयर है जो अभी सेटिंग में आ रहा है, मादा जो है वो कोने वाली बैठी हुई जो पट्टी से जवान हुई है, और इसे जो है ये पुराना जो अडल्ट 2 पेयर इसके अंदर घूम रहे हैं वो इसे बैठने नहीं दे रहे। और कॉलोनी जैसे मैंने आपको दिखाई है कि मेरे पास 2 सामने आंडियाँ लगाई हुई हैं और 2 साइडों पर लगाई हुई हैं। इसकी जो फ्रंट का जो साइज़ है ना व्यूअर्स वो 3 फीट है, और जो इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा देता हूँ, चौड़ाई जो है इसकी 1.5 फीट है। 3 पोर्शन का केज है, इसमें मैंने इसको सेंटर में जगह दी दी है, अपनी मर्जी इसको चेक करूँगा कुछ दिनों तक इस पेयर को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें।